की रसोई में आपका स्वागत है। और यहाँ पे जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है काले चने की स्टफिंग कचौड़ी। तो वो भी है सूजी के आटे की कचौड़ी, यानी कि उसमें जो डो बनेगा कचौड़ी का उसमें सूजी भी रहेगी। तो सूजी मिला के जो डो बनेगा उसकी जो खस्ता कचौड़ी बनेगी, और वो जो बनेगा हमारा स्टफिंग काले चने का। तो आपने बहुत तरह की दाल की कचौड़ियाँ खाई होगी, देखी होगी, सुनी होगी, और आलू और पनीर की कचौड़ी आप बनाते हैं, पर इस रेसिपी को आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फटाफट इस काले चने की स्टफिंग कचौड़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो काले चने की कचौड़ी है ये, और आप देख रहे होंगे काला चना है और इसे फुला लिया है। तो रात भर ओवरनाइट अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाने जा रहे हैं तो कम से कम किसी भी टाइम बना रहे हैं तो 4 से 5 घंटे इसे फूलने के लिए रख दीजिए और इसका पानी हटा दीजिए। और इस तरह से मैंने एक मीडियम साइज़ का बॉल ले लिया है काला चना, और यहाँ पे एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट लिया है। यहाँ पे है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और यहाँ पर थोड़े से धनिया पत्ते हरे ले लें 3 से 4 बड़े चम्मच, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट लिया है। और जो हम स्टफिंग तैयार करेंगे उसमें जो मसाला जाएगा, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून के लगभग, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और नमक स्वाद के अनुसार, और कोई भी कुकिंग ऑयल या रिफाइंड ऑयल 3 से 4 बड़े चम्मच स्टफिंग को फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर जो डो बनाना है इसका, उसमें ज़्यादा मैं सूजी ले रही हूँ, यानी कि ये सूजी का डो बनेगा जिसमें थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा गेहूं का आटा बाइंडिंग के लिए। तो बहुत ही करारी और खस्ती कचौड़ी बनेगी। तो आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, या सिर्फ गेहूं मैदा मिक्स करके, बट यहाँ पे सूजी के साथ आप बनाते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी खस्ता कचौड़ी मिलेगी। और उसमें थोड़ा सा 1/2 कप के बराबर दही भी ऐड करेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा मोयन के लिए, यानी कि थोड़ी सी खस्ती बने, तो 1 से 1.5 बड़ा चम्मच इसमें तेल डालेंगे। तो पहले हम इसके सूजी को क्या करना है, थोड़ा सा दही के साथ और थोड़ा पानी के साथ ढीला, जो उसकी जो ढीली कंसिस्टेंसी होगी उसके साथ हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे सिर्फ सूजी को। जैसे कि बैटर एक पतला सा हम तैयार करते हैं डोसा बनाने के लिए, उतनी कंसिस्टेंसी के साथ हम सूजी को पहले से रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम ये गेहूं का आटा और मैदा डाल के इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो पहले ये प्रोसेस करते हैं ताकि जब तक ये फूले तब तक हम चने को फ्राई कर लेंगे। तो कोई भी एक गहरा बर्तन ले, मैंने यहाँ पे परात लिया है, और सूजी को इसमें डाल लेंगे, और इसमें डालेंगे हम फेटा हुआ दही, दही खट्टी ना हो, नॉर्मल फ्रेश दही हो, और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें हम। और फिर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और समझ रहे हैं कि आप जितना, जैसे कोई भी हम डोसा के लिए बैटर वगैरह तैयार करते हैं उतनी या उससे थोड़ी सी गाढ़ी ही रखें, तो बस सूजी को फूलने के लिए स्पेस मिल जाए उतना ही हम इसे ढीला छोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच सिर्फ पानी डाला है मैंने, और इतनी ढीली कंसिस्टेंसी के साथ आप देख पा रहे होंगे, इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। ढक के रख देंगे इसे हम, और ये ढक के रख दिया है, और फटाफट स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन रख दिया है, इसमें डाल दिया है 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डालेंगे सबसे पहले हम कटे हुए प्याज, और प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक या हल्का सा नरम होने तक इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए। तो यहाँ पर प्याज हल्के से नरम हो चुके हैं, इसी के बाद डाल देंगे हम दरदरा पिसा हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। बस उसके कुछ ही सेकंड के बाद हम यहाँ पे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले टमाटर हम बाद में डालेंगे ताकि इस तेल के साथ मसाले अच्छे से पक जाएं। तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से स्टफिंग का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा, ये बहुत तीखा नहीं होता है। और अगर आप थोड़ा तीखा और खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च मैंने एक डाली थी, आप इसके साथ कोई लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा और तीखा या स्पाइसी खाना चाहते हैं। तो बस तेल में ये तुरंत ही पक जाता है, बहुत ज़्यादा हमें मसालों को जलाना नहीं है। इसके तुरंत बाद ही हम डाल देंगे टमाटर। जब भी आप मसाला वगैरह ऐड करते हैं तो गैस का फ्लेम सिम पे कर दें, नहीं तो मसाले बहुत जल्दी फिर जल जाते हैं। तो यहाँ पे
अभी थोड़ा सा टमाटर को गलाने तक हम इसे पकाएंगे। टमाटर बिल्कुल गल जाए, मैशी हो जाए, तो सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो हल्का सा टमाटर को पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मारेंगे। तो बिल्कुल आप जो हाफ कप होता है उसका भी हाफ पानी डालें, बस टमाटर को हमें गलाना है। तो इसे ढक के थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, पानी सूख जाए और टमाटर गल जाए, तो उतना ही हम करेंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे नमक, ताकि और जल्दी से ये गल जाए। तो नमक स्वाद के अनुसार डालें। आपने देखा होगा कि मैंने आटे में भी नमक मिलाया था, और उसी हिसाब से स्टफिंग में भी नमक डालना है। तो ये ना हो कि दोनों में नमक आप ज़्यादा ज़्यादा डाल दें और फिर नमक ज़्यादा हो जाए। तो बस यहाँ पे हम इसे ढक देंगे और टमाटर के गलने तक, पानी के सूखने तक इसे पका लेंगे हम। तो यहाँ पर ये इसका पानी सूख चुका है, आप देख रहे होंगे, और तेल बिल्कुल अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हमारा जो स्टफिंग का जो चना भी डालना है, उसका जो मसाला है, वो परफेक्टली हमारा तैयार हो चुका है। पानी सूख चुका है और टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैंने उसी बीच में इस चने को ग्राइंड कर लिया था। तो बहुत ही कोर्सली ग्राइंड करना है, बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं करना है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे। और बस मसालों के साथ आँच को अभी फ्लेम को थोड़ा सिम पे ही रखें और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लें। और चलाते हुए इसे मीडियम हाई फ्लेम पे सूखा होने तक इसका जो स्टफिंग है तैयार कर लें। तो यहाँ पे जो स्टफिंग है पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, और इसमें डालेंगे लास्ट में धनिया पत्ता। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे इसका मिक्स कर दें, और स्टफिंग को निकाल लेंगे अलग बर्तन में, ताकि ये ठंडा हो जाए। और इस स्टफिंग को तभी भरेंगे हम, स्टफ़ करेंगे, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। ज़रा सा भी गर्म रहेगा तो वो स्टफिंग फट जाएगा, यानी ये कचौड़ी हमारी जो हम बनाएंगे वो फट जाएगी स्टफिंग करते हुए। तो जो ये स्टफिंग मटेरियल है हमारा, ये पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, तो ही हम भरेंगे, तो ही हमारी कचौड़ी फटेगी नहीं। तो पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, और तब तक हम जो आटा हमारा अभी तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ सूजी को फुलाने के लिए रखा है, वो देख लेते हैं, और अपना इसका डो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी भी पूरी तरह से फूल चुकी है। तो बस इसका डो बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे गेहूं का आटा और मैदा। अगर ये थोड़ा सा हमें ढीला लगा, तो थोड़ा सा गेहूं का आटा और ले लेंगे हम इसमें। अभी मैंने हाफ कप गेहूं का आटा लिया है और हाफ कप के लगभग मैदा है। तो अच्छे से इसके साथ मसल लें। डो को बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बनाना है, बहुत टाइट नहीं रखना है। टाइट रखेंगे तो कचौड़ी फट जाएगी स्टफिंग करने के बाद, और बहुत ज़्यादा ढीला रहेगा तो भी हाथ में नहीं आएगा। तो जो हमारा एक सॉफ्ट स्टफिंग का डो होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, न कड़क न बहुत ढीला, बीच का जो सॉफ्ट होता है वो। तो उसी लेवल पे हम ये डो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा, और भी आटे या मैदा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये हमारा डो तैयार हो गया है। तो बस सूजी फूली हुई है, मसल मसल के इसे एक डो के रूप में हमें सॉफ्ट डो में तैयार कर लेना है इसे हमें। तो अच्छे से इसे मसल लें। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि हल्का सा खस्ता बनाने के लिए, मोयन के लिए थोड़ा सा आधा चम्मच या एक छोटा चम्मच ऑयल डालना था, वो भूल गई मैं, तो इसमें अभी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। बस हल्का सा, हाफ टी स्पून, उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, इतने डो के साथ। तो बस तेल लगाने के बाद एक बार फिर से अच्छे से मसल लें। और डो तैयार करने के बाद एक बार फिर से 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देते हैं, ताकि जो सूजी थोड़ी सी इधर उधर दाने इसके नहीं फूले हैं, वो और अच्छे से फूल जाएं और फिर अच्छे से बनेंगे इसके कचौड़ी। तो इसे 10 मिनट के लिए और ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पर स्टफिंग को भी ठंडा कर लिया है और डो भी मुलायम हो गया है, और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भर भरा सा सूखा सा स्टफिंग बना है। और यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया है मैंने कचौड़ी निकालने के लिए तेल। तो कचौड़ी का जो तेल जितना गर्म होना चाहिए, वो मीडियम हीट पे गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम हीट पे ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट ऑयल नहीं होना चाहिए। पूरी के लिए होता है कि बहुत हीट हो ऑयल, तो पूरी अच्छे से फूलती है और जल्दी से पकती है, तो पूरी पतली होती है, लेकिन
इसे मीडियम हीट करना है कचौड़ी के लिए, क्योंकि कचौड़ी थोड़ी सी मोटी होती है तो वो धीरे धीरे ही पके तो ही अच्छे से पक पाती है। बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया तो ऊपर से उसका कलर गोल्डन ब्राउन तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसे हीट नहीं करना है, ऑयल को मीडियम हीट रखना है कचौड़ी के ऑयल को। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो डो है तो थोड़ा सा डस्टिंग के लिए सूखा आटा गेहूं का लिया है, और थोड़ी सी कचौड़ी मोटी होती है तो थोड़ा सा जो हम डो को जो रोटी बनाते हैं नॉर्मली उसका डबल थोड़ा सा लेंगे इसका पेड़ा। तो यहाँ पे चार पेड़े मैंने इस तरह के बराबर ले लिए हैं, तो मैं आपको इसके चार कचौड़ियाँ बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हथेली की सहायता से इसका एक इस तरह से फ्लैट पेड़ा तैयार कर लें, और सूखा आटा लगा के इसे हाथ की सहायता से, उंगली की सहायता से इसे बढ़ा लें। अगर आपको ये करना नहीं आता तो आप थोड़ा सा इसे पूरी की तरह बेल सकते हैं और फिर इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप देखो तो उंगली की सहायता से भी ये बीच में रखें, और ऐसे से करेंगे तो आपका ये थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है और फिर इसमें आप स्टफिंग डाल सकते हैं। तो बिल्कुल 1 से 2 बड़े चम्मच, 1.5 से 2 बड़े चम्मच आप स्टफिंग डालें इसमें, और अंगूठी की सहायता से इसे अंदर की तरफ पुश करते हुए जो किनारी है उसको ऊपर ले आएं और इस तरह से इकट्ठा कर लें। तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा आ रहा है उसे इस तरह से निकाल दें और सूखा आटा लगा के इसे ऐसे फ्लैट कर लें और फिर से पूरी तरह से सूखा आटा लगा लें। और पहले तो हाथ की सहायता से ही इसे दबा लें, थोड़ा सा फ्लैट कर लें और हल्का सा दबाव देते हुए हल्का सा बेल लेंगे इसे। और जितना भी सूखा आटा एक्स्ट्रा लगा है वो झाड़ लेंगे, नहीं तो वो तेल में आएगा। तो बस हल्का सा इसे पतला कर लें। तो ऐसे ही जितने पेड़े मैंने निकाले हैं उसको स्टफ करके इस तरह से कचौड़ी तैयार कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह से इतने साइज में, जितने पूड़ी के साइज होता है वही साइज आप कचौड़ी की भी रखें, बस इस तरह से स्टफ करके थोड़ा सा मोटा रखते हैं और जितना भी सूखा आटा है उसे हटा लें। तो यहाँ पर चार कचौड़ियाँ मैंने तैयार करके रख ली है और यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। थोड़ा सा सूखा आटा डाल के जो डो है वो डाल के थोड़ा सा देख लेते हैं तेल कितना गर्म हुआ है। अगर वो फटाफट तैर के ऊपर आ गया तो समझिए कचौड़ी के लिए आपका तेल तैयार है। तो एक साथ हम दो कचौड़ियाँ इतने तेल में फ्राई कर लेंगे। पहले एक डालें वो थोड़ा सा सिक जाए फिर दूसरा डालें, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे ये कचौड़ी तैयार है। तो इस कलर के गोल्डन ब्राउन कलर में आपकी कचौड़ी अगर आ जाती है तो समझिए आपकी कचौड़ी तैयार है। और उसे एक एक करके तेल से कढ़ाई से बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने आपको चार कचौड़ियाँ निकाल के दिखाई हैं, और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, और किसी भी घर की चटनी या फिर रेडीमेड चटनी के साथ या दही के साथ या किसी भी सब्जी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देख रहे हैं बिल्कुल दिखने में खस्ता सूजी की कचौड़ी है, सूजी की काले चने की स्टफिंग। अगर मैं इसे आपको थोड़ा सा काट के दिखाती हूँ, तो आप देख रहे हैं अंदर स्टफिंग कितने अच्छे से फैला हुआ है और कितने अच्छे से दिख रहा है। तो बहुत ही स्पाइसी इसका काले चने का स्टफिंग है अंदर, और बहुत ही खस्ता बनी है। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।